तू अपने आप को बहुत बड़ा जादूगर समझता है ना, चल उस टोकरी में से बच्चा निकाल के दिखा। बच्चा ये देखो, मंत्र हाकर बुट्टिल बच्चा बरते, मंत्र हाकर बुट्टिल बच्चा बरते, मंत्र हाकर बुट्टिल बच्चा। छू देखो देखो, चश्मे बंदू बिल्कुल नन्ही परी की जैसी दिखा। इतना सारा खाना और खाने वाला सिर्फ एक, इतना बड़ा महल जैसा घर और रहने वाला सिर्फ एक। अभी मुझे पता चला कि आप कौन हैं। क्या पता चला, कौन हूँ मैं? मैंने कहानियों की किताबों में आपके बारे में बहुत पढ़ा है, आप राजा है ना? राजा? और राजा किंग सर, सर इसका मतलब आप किंग जैसे हैं। किंग जैसे नहीं, सचमुच किंग है किंग अंकल। ना ही मैं किंग हूँ और ना ही तुम्हारा अंकल। मुझे किसी की कमी महसूस नहीं हो रही है और ना ही मुझे किसी की याद आ रही है। आपका ये गुस्सा, ये बेचैनी साफ बताती है कि आप उससे प्यार भी करने लगे हैं। प्यार? What nonsense! दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज नहीं है, कोई किसी से प्यार नहीं करता। बेईमानी लफ्ज है ये, जिसका ना कोई मतलब है ना मोल। नफरत करता हूं मैं प्यार से, नफरत करता हूं सख्त नफरत। क्या प्रताप से? इधर आ रहे। आया। ये तेरा पूरा नाम अनिल बंसल है ना? जी हाँ। तेरा कोई बड़ा भाई है क्या? अशोक बंसल नाम का, उसने अखबार में इश्तेहार दिया है तुमको फौरन घर बुलाया। ये मेरे लिए नहीं है प्रताप सेठ। मगर नाम तो तुम्हारा ही है ना? नाम में क्या रखा है सेठ, एक ही नाम के बहुत से लोग होते हैं इस दुनिया में। एक महलों में राज करता है तो दूसरा सड़कों पे मारा मारा फिरता है। प्रताप, मुन्ना मिल गए। प्रताप, मुन्ना मिल गए। प्रताप, प्रताप पता चल गया कि मुन्ना कहाँ है। जानते हैं वो हरामखोर कहाँ है? अशोक बंसल के घर। अशोक बंसल? बंसल क्या? मैं शांति देवी बोल रही हूँ, रानीगढ़ अनाथ आश्रम की मेट्रन। माफ कीजिएगा लेकिन आप जैसे बड़े आदमी से मुझे इतनी छोटी और की हुई हरकत की उम्मीद नहीं थी। क्या बकवास कर रही हैं आप? अच्छा, क्या आप मेरे अनाथ आश्रम से मुन्ना नाम की एक लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले गए? What? शायद आप जानते नहीं मिस्टर अशोक बंसल कि अनाथ आश्रम से किसी भी बच्ची को बगैर इजाजत के उठा के ले जाना कितना बड़ा गुनाह। अब तुम सिर्फ देखती जाओ मैं क्या करता। वो बच्ची की वजह से वो हरामजादा पूरी तरह हमारी मुट्ठी में आ गया। उसकी तो सारी खुशियों में मैं आग लगा दूंगा।